जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में गत माह के पूर्व हर्ष फायरिंग में हुई युवती की मौत। वहीं मुख्य आरोपी जावेद शानू को पुलिस ने न्यायालय द्वारा दिया पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ पर लेकर हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त हुए हथियार बरामद किए। पुलिस ने शानू की निशानदेही पर 32 बोर का पिस्तौल बरामद किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। सर, हर्ष फायरिंग वाले जो मुलजिम को लाया गया था रिमांड पर, इस पर कोई बरामद किया, कुछ तरह का मामला है? ये एक 25/11 को थाना सिंभावली के गांव बक्सर में एक हर्ष फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त शाने आलम और जावेद निवासी कैला भट्टा जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसकी तलाश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही थी। इसने माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। माननीय न्यायालय से अभियुक्त के पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अनुरोध किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे जो आला कत्ल था वो बरामद किया गया है, 1.32 बोर का अवैध पिस्टल अभियुक्त की निशानदेही पर, और दो जिंदा कारतूस और एक हुक्का कारतूस आज बरामद किए गए।